अपने एक नूरानी बयान में इर्शाद फरमाते हैं कि रासो कुल्लेतिनबुद दुनिया याद रखना हर गुनाह की जड़ का नाम है मोहब्बत दुनिया यानी जितने गुनाह इंसान से सरजद होते हैं सबका रीशा है और सबका मम्बा है मोहब्बत दुनिया इंसान झूठ क्यों बोलता है चूँकि मोहब्बत दुनिया उसके दिल में बैठी हुई है झूठ के ज़रिए से वो एक ग़लत इस्ता करना चाहता है इंसान चोरी क्यों करता है चूँकि ये मोहब्बत दुनिया में गिरफ़्तार है इसको खुदा पे तवक्ल नहीं है इंसान दूसरे को बे आबरू करके खुद इज्जतदार क्यों बनना चाह रहा है चूँकि इसके दिल में मोहब्बत दुनिया है अगर इसको इस बात का यकीन होता कि व तो्ज़्ज़्ज़् मंतशा व तो मंतशा, बेत तो कल खैर खुदा इज़्ज़त देने वाला तू है ज़िल्लत देने वाला तू है और ये मुल्क ये कायनात तेरे हाथों में है अगर इस शख्स को इस बात का यकीन होता कि इज्जत वो इज्जत है जिसको खुदा देता है जिल्लत वो जिल्लत है जो खुदाई जिल्लत होती है तो कभी भी दूसरों को जलील करके खुद इज्जतदार बनने की कोशिश न करता इसीलिए छठे इमाम ने कहा याद रखना अगर तुमको ख़तियात से बचना है अगर तुमको गुनाहों से बचना है तो मोहब्बत दुनिया को अपने दिल से निकाल दो क्यों क्योंकि रासो कुल्लेत महुब्बत दुनिया हर गुनाह की जड़ का नाम है मोहब्बत दुनिया लिहाजा हमारा फरीज़ा ये है चूँकि मोहब्बत दुनिया हर गुनाह की जड़ का नाम है लिहाजा इस मोहब्बत दुनिया को हम जड़ से उखाड़ के फेंक दें अगर हम मोहब्बत दुनिया को जड़ से उखाड़ के फेंक देंगे तो हमारी दुनिया भी अच्छी हो जाएगी हमारी आखिरत भी अच्छी हो जाएगी क्योंकि अल्लाह उस शख्स को पसंद नहीं करता है जिस शख्स के दिल में मोहब्बत दुनिया हो मोमिन अरशुर रहमान ये रवायत है मोमिन का दिल खुद रहमान का अर्श होता है महब्बत दुनिया शैतान का नाम है अगर हम हकीकी माना में मुसलमान हैं अगर हम हकीकी माना में मोमिन हैं तो हमारे दिलों में अल्लाह की मोहब्बत होगी उसके रसूल की मोहब्बत होगी उसकी तरफ़ से चुने हुए मासूमीन और आइमा की मोहब्बत होगी न कि हमारे दिलों में शैतान अपनी मोहब्बत डाल दे खन्नास हमारे कुलूब में आकर बैठ जाए रवायत बताती है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम एक रास्ते से गुज़र रहे थे कोहे तूर की तरफ़ जा रहे थे आपने देखा कि रास्ते के करीब एक शख्स बैठा हुआ है और अपने दोनों हाथ को बारगाह खुदा में फैला के कह रहा है परवरदिगार मेरी मगफिलत फरमा दे परवरदिगार मुझे माफ़ कर दे और वो शख्स दुआ कर कर करके मुसलसल रो रहा है गिरिया कर रहा है जनाब मूसा बहुत देर तक उस शख्स को देखते रहे फिर कोहे की तरफ चले गए कोहे पर मुनाजात के बाद जनाब मूसा ने ख़ुदा की बारगाह में दुआ की पालने वाले आखिर तू इस आदमी को क्यों नहीं माफ़ कर रहा है और ये गुफ्तु में और दुआ में तुझसे कह रहा था खुदाया मैं एक अरसे से दुआ कर रहा हूँ गिरिया कर रहा हूँ मुझे माफ़ कर दे लेकिन लेकिन तू मुझको माफ़ नहीं कर रहा है खुदाए इसको माफ़ क्यों नहीं कर रहा है इसकी वजह क्या है आवाज़ कुदरत आई मूसा अगर ये शख्स इतने दिनों तक मेरी बारगाह में हाथ उठाए रखे कि इसके दोनों हाथ खुश्क होकर ज़मीन पे गिर जाएं। मूसा अगर मेरे खौफ में ये इतना रोए इतना गिरिया करे कि इसका मगज़ सर आँखों से आँसू बन के निकल जाए तब भी मैं इसको माफ़ नहीं करूँगा तब भी मैं इसकी मगफरत नहीं करूँगा जनाब मूसा ने कहा पालने वाले वो किस लिए आवाज़ कुदरत आई मूँसा वह इस लिए अन्ना फ़ीकलब ही हुब्बत दुनिया चूँकि इस शख्स के दिल में मोहब्बत दुनिया है आपने नाजरीन एक नाम गौर किया कि जिस शख्स के दिल में मोहब्बत दुनिया होती है चाहे वो जितना गिरिया करे चाहे वो अपनी मगफरत की जितनी दुआ करे उसकी बख्शाइश खुदा की बारगाह में नहीं हो सकती अब यहाँ एक बात और भी समझ में आती है कि जिसके दिल में मोहब्बत दुनिया हो उसकी मगफरत मुश्किल है उसकी मगफरत नहीं हो सकती और जो दुनियादार हुक्मरानों की मोहब्बत को जुज़ दीन समझ के अपने दिल में रखता हो क्या उसकी मगफरत हो सकती है हर किस नहीं चूँकि जो दुनियादार हुक्मरान हैं कुरान की अलाह में उनको ताबूत कहा गया है और जो ताबूत की मोहब्बत अपने दिल में रखेगा और इसी तरीक़े से मोहब्बत दुनिया को अपने दिल में रखेगा कभी भी उसकी मखफ़रत नहीं हो सकती चुनाचे ताबूत से बचने के लिए क़र करीम ने कहा वलकद बासना फ़ीकुल्ले उम्मत रसूला आने अबूदुल्ला वजतन बुतागोत देखो हमने हर गरोह में हर उम्मत में अपने रसूल को भेजा क्यों भेजा दो वजह अल्लाह ताला ने बयान की रसूल की बेसत का कौम में मकसद दो आदत था अने अबूदुल्ला पहला मकसद ये था कि कौम वाले अल्लाह की इबादत करें दूसरा मकसद ये था वश बुद्ध ताबूत और ताबुत यानी सरकश शैतान परस्त हुक्मरानों की एतात से कौम वाले बचे रहें लिहाजा इंसान के जहन्नमी बनने के लिए काफ़ी है कि इंसान मोहब्बत दुनिया अपने दिल में रखे और किसी सरकश ता के एत में रहे सकत अस्लम मरहूम कुलनी अपनी किताबें काफ़ी में नकल फरमाते हैं कि एक मरतबा जनाब ईसी का गुज़र एक आबादी की तरफ से हुआ तो आपने देखा आबादी के सारे लोग हलाक शुदा पड़े हुए हैं हती चरिंदो परिंदो हैवानात सब के सब मरे हुए हैं जनाब ईसा ने सोचा कि हतमन चूंकि ये एक इज्तमाही मौत है एक साथ सबके सब, सब मरे हैं यकीनन इनके ऊपर अजाब इलाही आया है ये ऐसे तो एक साथ नहीं मर सकते हैं अब सकतुल इस्लाम लैनी फरमाते हैं कि जनाब ईसा अभी ये सोच रहे थे आपके हवारी आपके साथी जो आपके उस वसात में थे वो आगे बढ़े और उन्होंने हाथ जोड़ के कहा अय ईसा रूहुल्ला, आप खुदा की बारगाह में दुआ कीजिए और पूछिए कि ये कौम वाले इज्तमाही तौर पर क्यों मरे हैं इनके ऊपर अजाब क्यों आया है इनका गुनाह क्या था ताकि अगर हमको मालूम हो जाए कि इनका गुनाह क्या था तो हम भी उस गुनाह से बचें ताकि अजाब लाही हमको भी अपने लपेट में अपनी लपेट में न ले लें तारीख़ कहती है रवायतें बताती हैं जब आधी रात गुज़र गई जनाब ईसा एक टीले पर गए और टीले पे जाने के बाद ब आवाज़ बुलंद आपने आबादी वालों को सदा दी अय आबादी वालों, अल्लाह का नबी ईसा रूहल्ला तुमको आवाज़ दे रहा है तुम लब्क कहो रवायत कहती है उस आबादी में से सिर्फ़ एक शख्स ने आपकी आवाज़ पे लबैक कहा लब या रूहल्ला ऐ रूहल्ला लबैक मैं हाजिर हूँ आप सवाल कीजिए आप पूछिए हमसे क्या पूछना चाह रहे हैं जनाब ईसा मसीह ने उस शख्स से सवाल किया बताओ तुम्हारे ऊपर अजाब इलाही क्यों आया तुम सब के सब एक साथ क्यों हलाक हो गए तुम्हारा तुम्हारा गुनाह क्या था तुम्हारी ग़लती क्या थी उस शख्स ने कहा अयल्ला के नबी हम लोग महब्बत दुनिया में गिरफ़्तार थे हम लोग ताबूतों की अतात करते थे और थोड़ी बहुत अल्लाह की भी इत कर लिया करते थे यानी ये सदर सद शैतान वाले नहीं थे बल्कि महब्बत दुनिया में गिरफ़्तार थे ताग़तों की अतात करते थे और थोड़ा बहुत ज़िक्र खुदा और एतात ख़ुदा ये लोग करते थे तो ये शख़्स कहता है इसी वजह से अल्लाह का आज़ाब हमारे ऊपर आया और हम सब हलाक हो गए जनाब ईसा ने उस शख़्स से पूछा कि तुम लोग दुनिया से किस तरीक़े से मोहब्बत करते थे उस शख़्स ने कहा कि हम लोग दुनिया से इस तरीक़े से मोहब्बत करते थे जिस तरीके से बच्चा शेर मदर से मोहब्बत करता है इसी तरीक़े से हम दुनिया से मोहब्बत करते थे जनाब ईसा ने कहा फिर इस मोहब्बत दुनिया का अंजाम क्या हुआ उस शख़्स ने कहा इस मोहब्बत दुनिया का अंजाम ये हुआ कि हम रात को अपने घरों में सोए और सुबह को हाविया में आ गए जनाब ईसा ने कहा हाविया क्या है उस शख्स ने कहा अल्लाह के पैगंबर हाविया जहन्नम की आग से दहकता हुआ एक पहाड़ है जिसके अंदर हमको सुबह सवेरे डाल दिया गया फिर जनाब ईसा ने कहा वाय हो तुझके फिर जनाब ईसा ने कहा वाय हो तुझ पर कि तेरे अलावा दूसरे लोग मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं उसने कहा अल्लाह के नबी बात ये है मेरे अलावा जितने भी कौम के लोग हैं सबके दहान पर सबके मुँह पर आग की लजाम लगी हुई है लेकिन मेरा मुँह खुला हुआ है कहा वो किस लिए का वो इसलिए चूंकि मैं इनके साथ ज़रूर रहता था लेकिन मेरे दिल में इस किस्म की मोहब्बत दुनिया नहीं थी मैं तागोत शहनशाहों की एतात में नहीं था लेकिन जब अजाब इलाही आया चूंकि मैं इनके दरमियान था लिहाजा इलाही ने मुझको भी अपनी लपेट में ले लिया मैं एक बाल के ऊपर एक बाल के ऊपर जहन्नम में लटका हुआ हूँ मैं नहीं जानता कि अल्लाह मुझे माफ़ कर देगा या मुझे औंधा मुँह जहन्नम में डाल देगा जनाब ईसा ने जब उसकी गुफ्तु को सुना और सुबह हुई अपनी कौम से अपने हवारी से अपनी अपने साथियों से रात की गुफ्तु को दोहराया और दोहराने के बाद आपने अपने हवारियों से कहा अरे मेरे हवारियों। अगर रोज़ क़यामत हमारी बख्शाइश हो जाए तो हमारे लिए जौ की रोटी नमक के साथ खाना और ईंट का तकिया लगाकर किसी फुटपाथ पे सो जाना शाही महलों में रहने से अफजल और बेहतर है तो मेरे नाजिर ये बात मद्देनज़र रहे कि ये दुनिया है और ये दुनिया आखिरत तक जाने का रास्ता है दुनिया की अगर तबी मोहब्बत है तो कोई हरज नहीं है लेकिन अगर दुनिया की इसतलाली मोहब्बत है तो ये इस्तलाली मोहब्बत हमको जहन्नम तक पहुंचा देगी दुनिया की तबी मोहब्बत हम माल कमा रहे हैं हम अच्छा घर बना रहे हैं हम गाड़ी पे सवार हो रहे हैं। ये सब दुनिया है लेकिन किस लिए ताकि हम मखलूक़ात खुदा की खिदमत कर सकें ताकि हम इस घर में मेहमान नवाजी कर सकें हम माल कमा रहे हैं ताकि अहल को उनका हक़ दे सके गरीबों और मिसकिनों को उनका हक़ दे सके हम इस माल के ज़रिए से हूक को अदा कर सके सकेबाद को हम अदा कर सकें अगर हमारी ये नीयत है तो इसे कहते हैं मोहब्बत दुनिया लेकिन तबी इस्तेखलाली नहीं है मुस्तकिल तौर पे नहीं है हम दुनिया चाह रहे हैं ताकि हम आखिरत तक पहुंच जाएँ हम दुनिया चाह रहे हैं माल दुनिया चाह रहे हैं ताकि खुम्स निकालें ज़क़़त दें गरीबों की मदद करें अगर इस किस्म की मोहब्बत दुनिया है तो कोई हरज नहीं है लेकिन अगर मोहब्बत दुनिया इसलिए है कि अगर माल हो जाएगा तो हमसे बड़ा माशरे में कोई नहीं रहेगा अगर माल हो जाएगा तो हम दूसरे को दूसरे को जलीलु ख़ार कर करेंगे अगर माल हो जाएगा तो हम दूसरे को हकीर समझेंगे अगर माल हो जाएगा तो हम लोगों को अपनी गाड़ी के नीचे कुचल के रख देंगे अगर ये दुनिया की मोहब्बत इंसान के दिल में बैठ जाए और इस किस्म की उल्फत दुनिया की इंसान के कलब में कल्ब में बैठ जाए तो ऐसा इंसान दुनिया में भी हकीर होता है और आखिरत में भी हकीर होता है आइए हम देखते हैं कि मोहब्बत दुनिया के नुकसान क्या हैं ये बहुत अहम चीज़ है यूँ तो मैंने अर्ज़ किया दुनिया की मोहब्बत के हज़ारों नुकसान हैं बल्कि दुनिया की मोहब्बत में नुकसान ही नुकसान है कोई प्रॉफिट और कोई मनफात और कोई फ़ायदा नहीं है लेकिन तीन अहम नुकसान जिसको मौल कायनात ने अपने एक नूरानी बयान में फ़रमाया है मैं आपके सामने उन तीन नुकसानों को पेश कर रहा हूँ अमीरुल अमिरमन अली जिब ने अभी तालिब असलातम इरशाद फरमाते हैं कि किबुद दुनिया युफ से दुल आकल। पहला नुकसान मोहब्बत दुनिया इंसान की अकल को फास कर देती है गौर कीजिए महब्बत दुनिया इंसान को दीवाना बना देती है मोब्बत दुनिया इंसान को मजनून बना देती है ये इंसान जो इंसान है मखलूकात है क्यों है इंसान पत्थरों से अफजल है इंसान नबात यानी घास पौधों और दरख्तों से अफजल है इंसान हैवानात और जानवरों से अफजल है क्यों अफजल है इस वजह से अफजल है चूँकि इसके अंदर अल है जानवर के अंदर ये अल नहीं है जमादात नबाता के अंदर ये अक्ल नहीं है इसी अक्ल की बदौलत ये इंसान तमाम मखलूक़ात से अफजल है और यही अकल अगर सलब हो जाए छिन जाए तो इंसान और पत्थर इंसान और नबातात इंसान और हैवाना में कोई फ़र्क नहीं रहेगा देखिए फ़लसफ़ी एतबार से वजूद के चार मरतबों को बयान किया गया है जो एक दूसरे से अफजल हैं और चौथे मर्तबे पर ये हज़रत इंसान है वजूद का पहला मर्तबा जमादात कहलाता है दूसरा मर्तबा नबाता कहलाता है तीसरा मर्तबा हैवानात कहलाता है और चौथा मर्तबा इंसानात की शक्ल में है तो चूँकि इंसान चौथे नंबर पे है इस वजह से इन तीनों से अफजल है जो खूसियात उन तीनों में है वो सारी खसूसियात इस हज़रत इंसान में है और मज़ीद ये इंसान अकल की वजह से उनसे अफज़ल हो गया बतौर खुलासा मैं थोड़ी सी तोज़ी अपने नाजरीन के नाम के सामने पेश करूँ कि वजूद के ये चार मरतबे एक दूसरे से अफजल किस तरीक़े से हैं देखिए वजूद का सबसे निचला मर्तबा है जमादात यानी पत्थर ओ ये पत्थर जो है ये सबसे निचला मर्तबा है वजूद का इसको ज़्यादा जरूरतें लाइक नहीं होती इसके लिए एक मकान चाहिए एक जगह चाहिए जहाँ ये मुस्तर रहे जहाँ ये रुक जाए इसके अलावा इसको न पानी की ज़रूरत है इसको न हवा की ज़रूरत है न इसके अंदर नशुनुमा होती है लिहाजा ये वजूद का पहला मरतबा है और जिसकी तशरीफात भी बहुत कम है सिर्फ एक मकान चाहिए एक हज़्ज़ चाहिए जिसके अंदर ये जो है मुस्तर हो सके इस जमादात के बाद नौबत आती है नबाता की घास पूस दरख्त ये नबातात जो हैं इनके लिए मकान की ज़रूरत है जिस तरीक़े से जमादात के लिए मकान की ज़रूरत थी लेकिन चूंकि इनका मर्तबा अफजल इसलिए है कि जितनी चीज़ें जमादात के लिए ज़रूरी थी वो सारी चीज़ें नबातात के लिए ज़रूरी हैं मसन उसके लिए मकान की ज़रूरत थी हजिस की ज़रूरत थी इस नबातात के लिए दरख्त के लिए पौधों के लिए इसके लिए भी मकान की ज़रूरत है इसके लिए भी हजिस की ज़रूरत है मज़ीद चूँकि ये पहले से अफज़ल है इसके अंदर नशो पाई जाती है इसे और भी ज़रूरतें लाइफ होती हैं इसे सूरज की ज़रूरत है इसे हवा की ज़रूरत है इसे पानी की ज़रूरत है वगैरह वगैरह अब तीसरी नौबत है, है हैवाना की हवान के अंदर जितनी चीज़ें जमादात और नबातात में थी वो सारी मौजूद हैं इसको भी मकान की ज़रूरत है इसे भी नशोनुमा की ज़रूरत है इसे भी सूरज की ज़रूरत है इसे भी पानी की ज़रूरत है इसके अलावा चूँकि ये हैवान जमादात नबाता से अफजल है इसलिए अब इसके अंदर सलाहियतें बढ़ गईं। ये चलता है ये घूमता है ये पानी पीता है और मज़ीद इसके अंदर तवालुदो तनासुल की ज़रूरत है इसके अंदर नस्ल बढ़ाने की सलाहियत ताकत भी मौजूद है लिहाजा ये हैवान उन दोनों से अफज़ल हो गया अब मंजिल आती है इंसान की यह इंसान चौथे नंबर पर है ये जमादात हैवानात से अफज़ल है चूँकि सारी वो सिफतें जो इन तीनों में हैं वो इंसान के अंदर मौजूद हैं मज़ीद एक चीज़ ऐसी है जो उन तीनों में नहीं है मगर इस इंसान में है और उसी चीज़ की वजह से ये इंसान जमादातों नबाता वो तो, हैवानात से जुदा हुआ और उनसे अफज़ल हो गया वो है क्या कोब अक्ल है वो इंसान की कोवैत दर्रा का है अगर ये इंसान की अक्ल इससे छिन जाए तो इसमें और जानवर में कोई फ़र्क नहीं है जानवर भी खाता है ये भी खाता है जानवर भी पानी पीता है ये भी पानी पीता है जानवर भी सोता है ये भी सोता है जानवर के अंदर भी तवालदो तनासल की सलाहियत है इसके अंदर भी तवालदो तनासल की सलाहियत है लिहाजा अकल न होने की सूरत में जानवर और इंसान में कोई फ़र्क नहीं है इसी अक्ल की बदौलत हमारा वजूद और हमारा हमारी इंसानियत उन तमाम तीनों वजूद से अफजल है और महबत दुनिया का नुकसान ये है अमीरमिन फरमा रहे हैं कि हब्बुद दुनिया युफ से दुलल दुनिया की मोहब्बत इंसान की अक्ल को फासिद कर देती है यानी इंसान के दिल में अगर दुनिया की मोहब्बत उतर जाती है तो फिर ये इंसान इंसान नहीं रहता है ये हैवान बन जाता है ये जानवर बन जाता है तो मोहब्बत दुनिया का पहला नुकसान मौला ने यह बयान किया कि युफ से दुलल दुनिया की मोहब्बत की वजह से इंसान की अक्ल फासिद हो जाती है दुनिया की मोहब्बत का दूसरा अहम नुकसान व अन समल हिकमा यानी दुनिया की मोहब्बत इंसान को हमत की बात सुनने से रोकती है जिस दिल में मोहब्बत दुनिया उतर जाती है उस दिल में मोजा और नसीहत असरअंदाज नहीं होते हैं और तीसरा नुकसान अमीरुल अमीरमिन इस तरीके से फरमाते हैं कि व अलीमल एकाब और दुनिया की मोहब्बत सबब बनती है कि इंसान सख्त तरीन अजाब में मुबला हो जाए बस अमीराममोमिनली जब ने अभी तालिब अहम सलाम के इस कौल की रोशनी में दुनिया की मोहब्बत के तीन अहम नुकसान हमारी नज़रों के सामने मौजूद हैं पहला पहला नुकसान कि मोहब्बत दुनिया इंसान की अक्ल को ख़राब कर देती है दूसरा नुकसान महब्बत दुनिया इंसान को हमत की बात सुनने से रोकती है तीसरा नुकसान मोहब्बत दुनिया इस बात का सबब बन जाती है कि इंसान सख्त तरीन अजाब में मुबतला हो जाए लिहाजा हम खुदा वंद मुताल से दुआ करते हैं खुदाया हम सब को मोहब्बत दुनिया से नजात दे और हम सब को अपना और आखिरत वाला बना ले वा दावाना